आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से नरोत्तम की उपादेयता सुन रहे थे। मानव का शरीर परमात्मा ने किसने दिया और मानव का शरीर कैसा है, मानव का शरीर पंच भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत बड़े राजा हैं, राजपाट की पढ़ाई करते कि राजा होना बहुत अच्छा है, धनवान होना बहुत अच्छा है, दुनिया में जय जयकार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा बोलते। किसी देवी देवता की बड़ाई कर देते, ऐसा भी नहीं किया। पितर लोग की बड़ाई कर देते, इंद्र लोग की बड़ाई कर देते, ब्रह्म लोग की बड़ाई कर देते, ऐसा भी नहीं किया। लेकिन भगवान श्री राम ने मनुष्य शरीर की बड़ाई किया, बड़े भाग मानुष करो बाबा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में गावा, देवी देवता को भी ये मानव का शरीर दुर्लभ है, नहीं मिलता है। देवी देवता सोचते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया होता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है साधन धाम मोक्ष का निवारा। साधन क्या है? एक साधन होता है, दूसरा साध्य होता है। जैसे नाव क्या है? साधन है। नाव पर बैठेंगे तो नदी पार हो जाएंगे, अब नदी के उस पार चले गए तो वो साध्य हो गया, लक्ष्य हो गया। साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य का शरीर न मिले और कोई सूचे परमात्मा मिल जाए, असंभव है। तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर साधन हुआ। साधन धाम मोक्ष के द्वारा अपाई न जही परलोक समझ। ये परलोक क्या है? जरा परलोक को भी समझे। परलोक का मतलब होता है अपवर्ग मोक्ष। स्वामी तुलसीदास जी ने परलोक का मतलब यहां अपवर्ग लिखा है। परलोक का मतलब वैकुंठ नहीं होता, स्वर्गलोक नहीं होता। पाई ने जही परलोक समारा। सो परत दुख पावई असिर धुनधुनी पछता है, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जो मानव का शरीर पाकर के ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, शुभ कर्म नहीं करता है, बालापन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, वजन होता नहीं, बड़ा पश्चाताप होता है, तो जाने की तैयारी है। आंख काम करता नहीं, कान काम नहीं करता है, पैर नहीं काम करते, कंठ में तप हो गया है, प्रीत करह जब यही तो भाई उपजने संग विपात दुखदाई। कपित बात रोग है शरीर का, वृद्धावस्था में कफ बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, बात का रोग हो जाता है जिसको गठिया बोलते हैं। 40 साल के बाद गठिया रोग अंक पकड़ता है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है महाराज, कमर में दर्द है, थायराइड की बीमारी हो गई है, शक्ति शरीर से निकल गई, ब्रह्मचर्य तत्व तो शरीर में नहीं रहा, जनरेटर चल रही है ना, अगर तेल खत्म हो जाए तो घर घर करता है, तेल सब निकल गया। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं जल गई तेल निपट गई बाती, अलेचल लेचल हो रहा, शरीर में गिरीश नहीं है, तेल खत्म हो गया, कट कट करता है तेल ना, हड्डी बसती है। संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य का भी पालन कीजिए, तभी भजन हो सकता है। बहुत भोगी आदमी भजन नहीं कर सकता है, संजीवी को भजन करने में बल मिलता है। हमारे गुरुदेव महर्षि मही बर्मन जी महाराज करते संजीवी को भजन करने में बल मिलता है। बहुत खाने वाला का भजन नहीं बनता, बहुत सोने वाला का भी भजन नहीं बनता है, जो मध्यम मार्गी है उसका भजन बनता है। अभी हमारे पूर्व वक्ता से दोनों डॉक्टर साहब से और बढ़िया बढ़िया बात सुन रहे थे, और हमारे श्रद्धेय श्री हंसराज बाबू से बहुत बढ़िया बढ़िया भजन भी सुन रहे थे। मानव का शरीर परमात्मा ने भजन करने के लिए दिया। अभी हम लोग आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, महाराज बहुत गर्मी है, भजन नहीं होता है, रात में नींद नहीं आती है, महाराज सुबह में ही सो जाते हैं भजन के टाइम में, ऐसा बोलते हैं।
सर्दी के दिन में बोलते हैं महाराज बहुत ठंडी लगती है, कैसे उठेंगे, भजन कैसे करेंगे, स्नान कैसे करेंगे महाराज, अभी व्यवस्था खोजते हैं। अब मान लीजिए मानव के शरीर में आपने भजन भक्ति नहीं किया, अब मान लीजिए भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो मनुष्य का शरीर तो मिलेगा नहीं, मिल जाएगा चूहा का शरीर, मिल जाएगा सांप का शरीर, तो कहां रहेगा? चूहा सांप कहां रहता है? बिल में। आप बिल में पंखा मिलेगा आपको, गलीचा गद्दा सिधाना मिलेगा, तकिया नहीं मिलेगा, वहां तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। भजन करना चाहिए मानव को से कृपा करके, थोड़ा थोड़ा भी भजन भक्ति करिएगा, सत्संग कीजिएगा, तो मनुष्य का शरीर मिलेगा आपको। अभी मैंने कहा था कि भक्ति के भजन को संभालने की शक्ति मानव के शरीर में है, गाय भैंस हाथी घोड़ा उसके भजन को सह नहीं सकता है, इसलिए भजन सत्संग करने वाले को मनुष्य का शरीर मिल जाता है। अभी हमारे भवन लामा से दो तीन सत्संगी आए हैं, हमारे मास्टर साहब है, कुछ के साथी हैं, बाबा हमको भी प्रोग्राम दे दीजिए। मैंने कहा कल तो जयंती है हमारे आचार्य श्री का, महर्षि हरिनंदन जी महाराज की जयंती है, तो कल तो हम नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे जहां खाली रहेगा, अभी जिला अधिवेशन का दौर चल रहा है। सत्संग की भूख हो, भजन की भूख हो, ये भूख दबे नहीं, इतने हम बदहजमी हो जाता है, भूख नहीं लगती महाराज, डॉक्टर क्या देता है, चूर्ण दे देता है, चूर्ण खाइए भूख लगेगी, ये सत्संग में चूर्ण है, भजन करने में मन नहीं लगता है तो सत्संग कीजिए, सत्संग करने से भजन की प्रेरणा आपको मिल जाएगी। हमें ये मूरी मई चूर्ण चारू असमन सकल भाव रुझ परिवार, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सत्संग एक सुंदर औषधि है जिसका सेवन करने से भवरुज परिवारों का अर्थ हुआ जन्म मरण आवागमन के चक्र से जीव छूट जाता है। आप देखे होंगे सांप और नेवला की लड़ाई, ठीक है, नेवला एक छोटा सा जानवर होता है, वो नाग सर्प से लड़ता है, पांच फन वाला नाग सर्प से भी लड़ जाता है, छोटा सा नेवला बड़ा फुर्तीला जानवर होता है, उसकी लड़ाई में देखा हूं, जब दोनों में भिड़ंत होता है, जानी दुश्मन एक दूसरे का, जब मुलाकात हो जाती है तो टेढ़ी निगाह से दोनों एक दूसरे को देखता है, नाग सर्प सोचता है इसको हम अपना लपेट में ले ले और डसे इसको मार दे, लेकिन नेवला सोचता है इस गर्दन को पकड़ ले, दोनों दांत खेल रहा है, लड़ाई शुरू हो जाती है, सांप नेवला को डसना चाहता है, अपनी लपेट में लेना चाहता है, और नेवला उसके लपेट में नहीं आता, बड़ा फुर्तीला, दोनों में लड़ाई चालू है, सांप पकड़ लेता है नेवला को, अपना लपेट में ले आता है और नेवला को डसता है, नेवला लहूलुहान हो जाता है, नेवला किसी तरह से बड़ी फुर्ती के साथ तेजी के साथ सांप के बंधन से निकल जाता है। अवध नेवला उछल करके सर्प के फन को पकड़ लेता है, अब फन को पकड़ के क्या करता है, काट देता है और सर्प बढ़ जाता है। एक दृष्टांत है, एक कहानी है। ये नेवला क्या है? नेवला रूपी जीवात्मा है और सर्प रूपी विषय है, नाग है, पांच फन वाला है, रूप रस गंध
स्पर्श और शब्द ये पांच फल है। आंख के द्वारा रूप देखते हैं, मन में विकार हो जाता है। कान के द्वारा शब्द सुनते हैं, शब्द में भी विकार है, शब्द में आकर्षण है। आंख रूपी विषय में पतिंगा फंस जाता है, रस विषय में मछली फंस जाती है, गंध विषय में भौरा फंस जाता है, स्पर्श विषय में हाथी फंस जाता है और शब्द विषय में मृग फंस जाता है। तो ये पांचों जीव एक एक विषय में फंस जाता है, लेकिन मनुष्य को तो पांचों विषय है, इसे तो पांचों विषय सताते हैं, एक कैसे बचेगा? एक भक्ति का सहारा लेगा, एक गुरु का सहारा लेगा, ये बच जाएगा। और जड़ी क्या है? सांप और निर्मला की जो लड़ाई हो रही थी उसने जीव रूपी नेवला है और सर्प रूपी पांच परमाला ये विषय है पांच, और सत्संग रूपी जड़ी है। नेवला सत्संग रूपी जड़ी खा लेता है और जो सांप खाता है उसका विष उतर जाता है। भगवान सिद्धराम कहते हैं विषयों में उदास नहीं। बहुत लोग कहते हैं, तर्क करते हैं, बाबा भगवान ने विषय दिया है, इंद्रिया दिया है विषय सुख भोगने के लिए। मैंने कहा भाई देखो, मुंह दिया है तो भोजन करोगे, आंख दिया है तो देखोगे, लेकिन देखने देखने में अंतर होता है, खाने खाने में भी अंतर होता है। बढ़िया भाव से देखो, बढ़िया भाव से देखोगे तो विषय परेशान नहीं करेंगे, हमारी मां है या हमारी बहन है। बढ़िया शब्द सुनोगे तो विकार नहीं होगा। भजन सुनो, सप्तवाणी सुनो, आपको ज्ञान बढ़ेगा। आप फिर भी गाना सुनोगे तो विषय वासना में परेशान बनो, भावना की बात है। उन्होंने कहा नहीं बाबा, विषय दिया है भोगने के लिए। मैंने कहा देखा, हमारे गुरु महाराज कहते थे विषय का सेवन उतना ही करो जैसे औषधि का सेवन करते हो। दवा कितना खाते हो, बीमारी हो जाती है तो थोड़ा सा दवा खाते हो, तो विषय को दवा के समान औषधि के समान करो। विषय वासना छुटक न बनते महात्मा वैराग करें। जितना भोगी बनेंगे उतना रोगी बन जाएंगे, जितना ही संजीवी बनेंगे उतना ही योगी बन जाएंगे। आपको अंदर का आनंद, अंदर का सुख मिलने लगेगा और अंदर का आनंद सुख मिलते मिलते आपको अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आपको परमपिता परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा और आप आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं नर तन भव बारिद कर बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सत गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मनुष्य का शरीर क्या है? तो कहते नाव है,
संत सदगुरु क्या है? कहते मल्ला है। अब परमात्मा की कृपा क्या है? तो अनुकूल वायु है। नाव भेद नहीं करती, नाव पर जो भी बैठ जाता है नदी पार कर देती है। नाव नाव का ही काम है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, नाव का एक ही काम है, नदी से पार करते हैं। तो गोस्वामी जी ने बताया कि मनुष्य का शरीर नाव है। असंत सदगुरु क्या है? तो कहते मल्लाह है। अब परमात्मा की कृपा क्या है? तो कहा अनुकूल वायु है। ये तीन सूत्र हुआ, मनुष्य का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, परमात्मा की कृपा अनुकूलित वायु। अब तीनों मिल गया हो और भवसागर पार नहीं करे तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, जो न तरे भवसागर नर समाज रस पाय, सोकृत निंदक मंद मती आत्महन गति जाय। जो इन सात समानों को मिलने पर भी गौसागर पार नहीं होते हैं, वो मंद बुद्धि के हैं, वो आत्महन गति जाए, आत्महिंसा का पाप लगता है उनको। क्योंकि कुछ आत्मघाती लोग भी होते हैं जो विष खा करके मर जाते हैं, कुआं में कूद करके मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। वो ज्ञानी जीव है, वो आत्महिंसा की गति में जाते हैं, आत्मघाती कहलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने मानव का शरीर आपको दिया है भजन करने के लिए, ये बड़ी भाग्य से मिला है आपको। अरे सुख दुख जीवन में आता है, सुख दुख जीवन के दुख किनारे हैं। यह जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख और दुख दो किनारा है। अभी आपके जीवन में दुख है, अभी रात्रि है, तो कल दिन निश्चित है, कल दिन होगा। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, परमात्मा में गुरु में विश्वास बनाकर रहना चाहिए। जो भक्त लोग होते हैं ज्यादा घबराते नहीं। भक्तिमती मीराबाई लिखती है, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हमारे जीवन के सब दुख कपूर हो गए। कपूर क्या होता है? उड़ जाता है। हमारा जीवन से भी दुख उड़ गया जब से मैं प्रभु के शरण में चली गई। और सजू भाई कहते, भैया जी हरी रस की मतवारा, मैं हरी रस पीकर की मतवारी हूं। भजन करना सा चल जाए, आदत लग जाती खैनी खाने की, नहीं बीड़ी पीने की आदत नहीं लगती, बड़ी बुरी आदत है। कुछ कुछ फिरते रहता है, ट्रेन पर देखिए बैठे हुए हैं, अब किसी का मुड़ते हैं, अब कुछ से जाकर के फेंक देगा, ऐसा लगता है, बड़ा बेकार लगता है, खैनी खाता है। बहुत बड़ा भी आदमी हो जिसको खैनी खाने की बीड़ी खाने की आदत लग गई हो, बहुत पैसा वाला आदमी है और खैनी खत्म हो गया होगा, चूना खत्म हो गया, ओ भाई साहब जरा देखो, मांगे छे ना, हमें करे छे सब खैनी खाने वाले को खैनी खाने में बड़ा मजा आता है, और जानते कैंसर की बीमारी हो जाती है। कहा है 80 चुटकी और 90 ताल, तब जानो खैनी का हाल। खैनी खाने वाले और ठोर हो जाता, लटक जाता है। खैनी खाने वाले क्या करता है? खैनी बना देता। एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, सच्ची बात, और बगल में हमारे बर्थ के बगल में एक और आदमी है, सर्दी का दिन है, वो चादर ओढ़े हुए है और उसका इतना हाथ कटा हुआ, दोनों इतना कटा हुआ हाथ,
अब वो क्या करता है, खैनी को फिर जांग पर एक आदमी उसे रखवा लेता है, यहां रख दे। अब खैनी रख दिया, अब हाथ तो है नहीं, इससे इसी से करता है, चटनी बनाता है। आपको सुनसुरी लगी, हमको सुनसुरी लगी, तो मैंने कहा ये क्या करता है, कहते कुछ नहीं बाबा, बोले कुछ नहीं बाबा, खैनी खाता है। हंसने लगा, बोला बाबा की करिए, देखो ना हमारे दोनों हाथ में चिख, दोनों हाथों पर करता है, की करिए बाबा, खैनी खाने का आदत है ना हमारा, जब तक भात रोटी नहीं मिलते से चलता है, लेकिन खैनी नहीं खाई हमारा तो हम नहीं बनते। बताओ खैनी खाने वालों, मैंने कहा तू भी हद है, जब खैनी नहीं खाता था तो रोटी भात कैसे पचता तुम्हारा, अरे आदत लग गई, आदत बहुत खा, गलत चीज का आदत मत लगाओ, खैनी खाने का आदत, गुटखा खाने का आदत। हमारे विद्यार्थी लोग सिगरेट पीते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दारू पीते हैं। एक बार मैं कॉलेज के सामने दिल्ली में यूनिवर्सिटी जो है वहां सत्संग हुआ, आज से 5 साल पहले की बात है, शाम के समय मैं घूमने के लिए निकला थोड़ा सा, तो स्टूडेंट सब वहां पर बैठ करके सिगरेट पीने लगे, कुछ लोग दारू भी पी रहे। बच्चा को बुलाया, ये बच्चा इधर आओ, तो कहा बाबा प्रणाम बाबा, मैंने कहा क्या करता है तू, तो हंसते हुए कहते बाबा सिगरेट पीते हैं, तू क्या करता है, बोलते बाबा दारू पी रहे। मैंने कहा सिगरेट पर एक डिब्बा में कुछ लिखा हुआ है, तो कहता हाँ बाबा निकलो, लिखा तो है। मैंने क्या लिखा हुआ है, तो बोलता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। मैंने लिखा हुआ है फिर भी तुम पी रहे हो, उसको पीने से बड़ा घाटा है। डॉक्टर हेनरी डोलन रिसर्च किया है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा शोध करता है, उन्होंने लिखा है जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, एक सिगरेट एक बीड़ी पीने से 2 सेकंड की आयु छिन हो जाती है। जो एक बोतल दारू पीता है 5 मिनट की आयु छिन हो जाती है। इतना नुकसान है, अल्कोहल आता है हमारा फेफड़ा को जला देता है। एक लड़का हमको अरबिया में मिला था, उस समय लड़का 20 साल का था, 10 साल के बाद वो मुझे दिल्ली में मिला, मैं सत्संग कर रहा था और वो पंखा झेल रहा था, हमको तेजी से पंखा झेल रहा था, तो मैंने कहा वो बोले बाबा पंखा तेजी से हको छो ना, तो वाइब्रेशन हो धीरे से हको, उस समय कुछ नहीं बोला। सत्संग करके जब कमरा में चला गया तो लड़का हंसता है, बोलता बाबा हमारे पास चालू हो, कैसे कर तू, कहता है बाबा फलाना रहिए रामदास अरडिया में मिले रहिए। तो बाबा अपने कहो बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा नहीं छिए, बूढ़े बाबा नहीं छो तू ना, कितना उम्र हो छो तेरा, बाबा जब मिलने रहिए 10 साल पहले तो उसमें 20 साल के रहिए, अभी 30 साल के छिए हम। और बाबा की बताइए, खैनी खाए छिए, बीड़ी पिए छिए, सिगरेटो पी लिए छिए, भांगो खा लिए छिए बाबा, सुल्फा भी पिए छिए, दारू पी लिए छिए, जितना कमाई छिए बाबा सब गवा दे छिए। बाबा शरीर खराब हो गए, कैंसर हो गए हमारा, 4 बच्चा उसको 30 साल की अवस्था में बोला। तो कबीर साहब ने कहा मांस मछलियां खात है, सुरा पान से हेत बेनर जल से जाएंगे जो मूली का खेत। मनुष्य का शरीर को भगवान श्री राम शिवालय कहते हैं। हमने हमारे उपनिषदकार ने लिखा है
देहम शिवालियम प्रोक्तम सिद्धितम सर्वदेहिना। मनुष्य का शरीर क्या है? तो कहते ठाकुर बाड़ी। अब मनुष्य का शरीर ठाकुर बाड़ी। अच्छा मंदिर में जाएंगे तो आप सिगरेट पिएंगे, मांस खाइएगा आप, पुजारी आपको धक्का देकर बाहर कर देंगे। वो तो किसी राजमिस्त्री ने बनाया, लेकिन ये मानव शरीर को डायरेक्ट परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तेरे पूजन को भगवान बनाए मंदिर आने सा। अभी नवरात्र का व्रत चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। माँ के जो भक्त है वे नवरात्र करते हैं, फलाहार करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, 9 दिन में शक्ति प्राप्त करता है। नवरात्र का मतलब है 9 दिन पूजा करके आप दसवां द्वार में जाइए। कहा जाइए? दसवां द्वार में जाइए। गुरु महाराज ने कहा तन नव द्वारा हो रामा अति ही मलिन थामा, कभी चलो दसवां द्वार है, आप दसवां द्वार में जाइए। केवल स्वाहा स्वाहा मत करिए, केवल मंत्र जप में ही नहीं लगे रहिए, अरे शरीर से निकलिए। पिंडदान लोग करते हैं, क्या करते हैं? पिंडदान, बोध गया हमें पिंडदान होता है। बहुत लोग जाते हैं पितल पक्ष में मेला लगता है बोध गया में, बहुत लोग जाते हैं आप पिंडदान करते हैं। हमारे संतों की दृष्टि में पिंडदान क्या है? पिंडदान खाते हैं पिंड को छोड़ देना। आप भजन करते करते, जप करते करते, ध्यान करते करते, दृष्टि योग करते करते निकल जाइए शरीर से, यही पिंडदान है। पार गमन ही सार भगति है लोहिया नियम धार, यही मानुष दे समैया में करु परमेश्वर में प्यार। निकलिए शरीर से, सूक्ष्म शरीर से निकलिए, कारण शरीर से निकलिए, महाकारण शरीर से निकलिए। अरे इस बार में निकलिएगा तो निकल पाइएगा, फिर जोर लगाइए। नौकरी पाने के लिए कितना जोर लगाते हैं, किसी को बेटा बेटी नहीं होता तो कहां कहां मद्रास और विदेश चला जाता है, बेटा नहीं हुआ, अब परमात्मा नहीं मिला, भजन नहीं बनता है, प्रयास करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। अभी सुतवे कर भाई, उठिए जागिए, भजन करिए, धक्का मारिए। अरे रस्सी कमजोर होगा, मन रस्सी के समान है। मन क्या है? रस्सी के समान है। अब दो पहलवान